जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो गैजेट सीरीज की फोर्थ वीडियो, गैजेट की वीडियो आप बहुत देखते हो, लेकिन ये सीरीज में डिसाइड आप करते हो कौन सा गैजेट होगा। उसके हिसाब से जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बाय करके वीडियो लेकर आता हूँ। उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जो रेगुलर व्यूअर्स, स्पेशली नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करो, बनो रेगुलर व्यूअर, थैंक्स। सबसे पहले ये है लीफी नाम से, शू लेस बोलते हैं इसको, जूते में बांधने का धागा। प्राइस है 275 रुपीज। ये व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक कलर में आते हैं, ये मेरे पास ब्लैक वाले हैं। 14 पीसेज है इसके अंदर। मैट गंदा ना हो इसलिए मैंने लगा दिया, और शूज थोड़े गंदे हैं भाई, रेगुलर यूज होते हैं ये। ये नॉर्मल लेसेस लगे हुए, इसके मैंने निकाल दिए थे। इसको लगाने के लिए सिंपल यहाँ लगाना है और यहाँ, और उसके बाद ना ये इसमें फंस जाएगा, रबड़ की तरह है ना, तो ये आसानी से ऐसे लग भी जाता है, दिक्कत नहीं होती। अब ये दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, शूज ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, बट इसको जब पहनते हैं ना, अभी ये क्या बहुत अच्छे से टाइट हो चुका है, और ये ना पैर पे काफी अच्छे से पकड़ बना के रखता है, और इनको खोलने का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लूज होता है तो आप अपने शूज को आराम से निकाल भी सकते हो। अब डिजाइन आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो बात की बात है, वो डिपेंड करता है आपके शूज कैसा है, कौन से कलर, वो डिजाइन के ऊपर, जाहिर सी बात है ना, अलग अलग शूज पे अलग अलग जचेगा, वो आप पसंद करोगे। और साथ में ये काफी मजबूत भी है, एक ट्राई करें क्या, मतलब टूट जाएगा बट काफी ज्यादा फोर्स लगाया मैंने। और ये है सेकंड प्रोडक्ट, इसका नाम है मिनी कीबोर्ड, बैकलिट का ऑप्शन भी है भाई इसके अंदर, लाइटें लूटे जलती है। इसका जो प्राइस है वो है 500 रुपीज। अंदर एक माइक्रो एसबी केबल है चार्जिंग के लिए, कॉम्बो टाइप है, मतलब कीबोर्ड भी इसी में, इसी के अंदर माउस पैड यानी कि टच पैड है। और बिल्ड क्वालिटी ना ठीक ठाक सी है, बहुत मजबूत भी नहीं है, बहुत ही घटिया नहीं है। और इसके अंदर ये वाली बैटरी लगी हुई है, ये नोकिया वाली बैटरी आती है ना, मुझे लगता है आसानी से ऑफलाइन में मिल जाती होगी। और ये इसका रिसीवर, जैसे वायरलेस कीबोर्ड माउस लेते हो ना आप उस तरीके से, यहाँ ये ऑन ऑफ का बटन है, इधर चार्जिंग का बटन है, ये वॉल्यूम, जैसे कीबोर्ड में मल्टीमीडिया बटन होते हैं ना उस तरह समझ लो, वॉल्यूम अप डाउन प्ले नेक्स्ट, और ये आपका एरो टाइप मान सकते हो, चार बटन होती है ना कीबोर्ड में, लेफ्ट अप डाउन वगैरह की, और बीच में ओके। और ये माउस पैड है, सिंगल फिंगर, डबल फिंगर, ट्रिपल फिंगर, यानी कि जेस्चर भी काम करता है। इसमें ग्रीन, रेड, व्हाइट, ये ऐसे ऐसे कलर है। कहने को ये फोन के साथ भी काम करता है, यस करता है। पीसी में तो सिंपल कनेक्ट करना है, इसको डायरेक्ट लगाना है और यहाँ पे ये काम करने लग जाता है, बट थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा ना स्मॉल साइज एरिया है ना, जैसे छोटे बच्चों के हाथों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। बाकी आप चाहो तो ऐसे गेम खेल सकते हो भाई इसके साथ, लेकिन मेरा जो सवाल है ना इसके साथ, एक तो सस्ता सा लगता है, मुझे लगता नहीं इसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सस्ता वर्ड मतलब 500 रुपए दे रहे हो आप, 500 के हिसाब से सस्ता लगा मुझे, क्योंकि 800-900 मैक्सिमम 1000 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 800 रुपए में आजकल कॉम्बो मिल जाता है नॉर्मल माउस कीबोर्ड का। वो सब प्रैक्टिकल चीजें, इससे क्या करोगे, आपकी टाइपिंग भी खराब होगी, आप रहने दो मत बाय करो। थर्ड प्रोडक्ट, प्राइस है इसका 600 रुपए। रियलमी स्मार्ट लाइट बोलते हैं इसको। अंदर आपको AAA की बैटरी मिलती है और साथ में ये मेन डिवाइस मिलता है, और ये कुछ ना ऐसे रोटेट करके खुल जाएगा पीछे से, और तीनों बैटरी इसके अंदर सिंपली लग जाती है। ये भाई सुपर कूल मस्त प्रोडक्ट लगा मुझे, ऐसे दो पीस में आएगा ये, यहाँ ऐसे लग जाता है, ये मैग्नेटिक है, ये आपका दीवार में लगेगा जहां भी आपको चिपकाना है। इसके पीछे ना डबल साइडेड टेप आता है ना, वो सिस्टम है, दिखाता हूँ काम कैसे करता है। थोड़ी आवाज गूंजेगी भाई, मैं वॉशरूम में हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, ये चिपक गया, इसके अंदर लाइट है, यहाँ की लाइट बंद कर दी, तो ये कुछ इस तरीके से लाइट जलेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दरवाजे को बंद कर देता हूँ, ये 15 सेकंड बाद अपने आप लाइट ऑफ हो जाएगी। अब देखना, मैं थोड़ा सा दरवाजा खोलूंगा, नहीं जल रहा होगा, देखो कोई लाइट नहीं जल रही है, बट जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा ये जल गया। एक कैंडल, थोड़ी अच्छी वाली कैंडल लाइट जला दो आप वॉशरूम में, उतनी तेज है हालांकि। और इसको खोलना, अब जैसे मैं ये खोलता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इससे आप इसकी इंटेंसिटी डबल कर सकते हो, देखो दो कैंडल की खोल हो जाएगी अब इसकी लाइट। तो वॉशरूम में जा रहे हो आप, या फिर किचन में लगा सकते हो, कहीं भी आपको जहाँ ठीक लगे। आप ये सोचो आपके घर में बच्चे या फिर बड़े बुजुर्ग है जो भी वॉशरूम में जाते हैं और लाइट जलानी पड़ती है, उन्हें दिक्कत होती है, ये अपने आप जल जाएगा। और सबसे बेस्ट क्या लगता है भाई, अगर आपके रूम में लाइट जल रही है ना, तो ये एक बार ऑफ हो जाएगा तो ऑफ रहेगा, फिर आप आते रहो जाते रहो, ये खुद नहीं जलता, जब भी अंधेरा होगा तभी मोशन डिटेक्ट करेगा ये लाइट। मैं भी बंद कर देता हूँ, फिर ढूंढना पड़ता है स्विच को नींद में, रात की फीलिंग समझते हो ना आप। ये फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, रिकमेंडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बैटरी लाइफ के बारे में बताना भूल गया भाई, रियलमी कहता है 1 साल चलेगी, तो 1 साल तो भूल जाओ, लंबा ही हो गया, लेकिन बहुत दिन चलेगी। फोर्थ प्रोडक्ट है ये वायरलेस स्पीकर, मुझे जिसने रिकमेंड किया था, मैंने इसकी जब फोटो वगैरह देखी काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था, मैं कहा भाई इसको ऑर्डर कर दिया जाए। माइक्रो एसबी केबल है चार्जिंग के लिए, ऊपर पावर बटन, वॉल्यूम बटन, और इसको म्यूजिक को आगे पीछे करने का सारा बटन दे रखा है। और ये ऐसे अगर ओपन करते हो आप, इसके अंदर ना ऐसे आप फोन रख सकते हो, इसको ऑन करूं, डरना मत, साउंड क्वालिटी ये है,
प्राइस है इसका 476 यानी कि ऑलमोस्ट 500 रुपए। लाउड काफी है, बेस और बेटर हो सकता था, इतने बड़ा स्पीकर का साइज है। ऑप्शन सारे दे रखे, मेमोरी कार्ड लग जाता है, यूएसबी से प्ले कर सकते हो, ये तो चार्जिंग वाला है। लेकिन आप ना 50% से ऊपर करोगे तो डिस्टोर्शन आता है, मतलब थोड़ी फटने लग जाती है आवाज। इन्होंने मेंशन कर रखा है इसके अंदर माइक भी है, आप कॉलिंग कर सकते हो, कॉलिंग के टाइम काम ही नहीं करता। ये रियलमी का है, इसके अंदर कॉलिंग वगैरह मस्त हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साउंड इतनी लाउड नहीं है, जितनी है सॉलिड है, फुल आवाज पे भी आवाज फटती नहीं है। जिसको सिर्फ टारगेट ही मिनी स्पीकर है तो JBL के आते हैं, ये रियलमी के आते हैं, कई सारे आते हैं, उनको आप ले सकते हो। शाओमी का भी आता है तो उनको देखो आप, इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। और ये फिफ्थ प्रोडक्ट है शाओमी या फिर MI का इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश। बचपन में देखा था, सपना था, इसको मैं एक दिन जरूर यूज करूंगा। मैंने तो कभी खरीदा नहीं, लेकिन गूगल फोरम के रिकमेंडेशन ने खरीदवाया। इसका प्राइस है 700 रुपए। इसको जैसे आप अनबॉक्स करोगे ना, अंदर एक माइक्रो USB केबल मिलेगा, एक आपको मेन ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश मिलेगा, और साथ में अटैचमेंट मिलता है ब्रश का अलग से। ये नहीं सोचा था टेक यूट्यूबर बनने के बाद टूथब्रश ओपन करूंगा यार। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे तो लगता है कम अंडरगारमेंट्स में भी ना चार्जर आएगा। एक सेकंड में आप एक मिनट। डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से महंगा तो नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक टूथब्रश बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, दिखने में मस्त लगता है, सॉलिड सा फील होता है। शाओमी का या रियलमी के जो ऐसे होम वाले घर वाले प्रोडक्ट आते हैं ना, रियलमी तो आपको पता है शाओमी जो बनाता है वही बना देते हैं लोग, बट बेसिकली दोनों के आते हैं, काफी अच्छे होते हैं। ये मोटर है जो वाइब्रेट होती है, इसको बटन को ऑन करना, बस इसको बस यहाँ लगाना है। बहुत फास्ट और बहुत हल्का सा वाइब्रेशन होता है, इसलिए शायद कैमरे में ना आए, बट इसको जब अपने टीथ पे लगाते हैं ना क्लियर फील होता है, और थोड़ा मतलब ऐसे हैवी सा वाइब्रेशन लगता है। मैंने इससे पेस्ट वगैरह करके देखा, नॉर्मली 50 रुपए का अच्छा ब्रश मिलता है, थोड़ा पैसा ज्यादा है तो 100 रुपए का ले सकते हो। उसमें सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट अलग अलग ब्रश आते हैं, जैसे मैं काफी सॉफ्ट वाला यूज करता हूँ पर्सनली, नॉर्मल ब्रश, उससे आराम से बढ़िया से ब्रश हो जाता है। वो मुझे ज्यादा सेंसिबल लगता है भाई, दांत उससे ज्यादा क्लीन होते हैं, या मुझे ये यूज करना नहीं आता, बट मुझे ये समझ नहीं आया। मैं ये नहीं कहता मत लो, आपकी अपनी मर्जी, बट मुझे नहीं समझ आया भाई क्यों खरीदेगा कोई इसे। पता जिंदगी में हर चीज इतना भी ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब भाई मुझे नहीं अच्छा लगा, पता नहीं आप देख रहे ना, सॉरी अगर कोई यूज कर रहा बुरा लगे तो। उसके बाद आता है सिक्स्थ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ना मिलिट्री पेन, नाम दिया हुआ इन्होंने, कलर वैसा है ना थोड़ा, और 199 200 रुपए का ये, 6 तरह के काम करता है। ये वाले आपने बहुत देखे होंगे अलग अलग डिजाइन के, बस फोन चलाने के लिए होता है ये अलग अलग तरीके से, ये रबड़ होता है बेसिकली। दूसरा फंक्शन इसके ऊपर कंपास सिस्टम दे रखा है, तो इसको जैसे जैसे रोटेट कराऊंगा ना, आप यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख सकते हो, देखो इस तरह से काम करता है। इसको अगर ओपन करोगे तो इसमें टॉर्च जलता है, काम चलाऊ सा। इसको अगर यहाँ से खोलते हैं तो ये स्क्रू ड्राइवर बन जाता है बेसिक, एक ये वाला शेप, लेकिन ये मेटल होना चाहिए था जो कि प्लास्टिक है, तो कोई अगर हार्ड चीज़ घुमा दोगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। ऐसे ओपन करोगे तो ये नॉर्मल पेन है, और छोटा सा रिफिल होता है इसके अंदर, 5 हो गए, लास्ट यूज़। इसको ऐसे रखना है तो ये फ़ोन स्टैंड बन जाएगा इस तरीके से, तो ये सारे यूज़ है इसके 6। तो घर में बच्चे वगैरह को दिया जा सकता है टाइम पास के लिए। थोड़ा सा मुझे महंगा लगा, थोड़ा सस्ता होता ना 100 रुपए का। सेवन्थ प्रोडक्ट, प्राइस है इसका 198। इसके अंदर 10 NFC टैग मिलते हैं, ये वाइट वाइट देख रहे हो आप गोल गोल से, के फोन में NFC होना चाहिए पहले तो इसके काम के लिए। इस तरफ तो बिल्कुल वाइट सा ऐसा लगता है स्टीकर है, सेकंड साइड ये कॉयल टाइप बना हुआ सर्कुलर शेप में, ये NFC टैग का काम करेगा कैसे, बाकी ये स्टीकर टाइप बन जाता है, इसको कहीं भी ऐसे चिपका दो दरवाजे में, ऑफिस में, टेबल पे, जहाँ भी आपको ठीक लगे। उसके बाद ना प्ले स्टोर पे जाओगे ना, यहाँ लिखना है NFC टास्क, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं इसकी। एक तो NFC टूल, ऐड अ रिकॉर्ड में जाओ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, एप्लीकेशन कोई लॉन्च करना, URL, कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर, लोकेशन का ऑप्शन नहीं है इसमें, बाकी काफ़ी सारे हैं। फिर प्रो में जाना पड़ेगा, वो खरीदना पड़ेगा, मैं फ्री वाला एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ट्विटर एप्लीकेशन लॉन्च हो, मैं ट्विटर पर गया, जैसे मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च कराना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन में गया, यहाँ गया फ़ोन के, जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के, जैसे मैं ट्विटर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये ट्विटर सेलेक्ट किया मैंने, ओके किया, अब मुझे इसको इस NFC टैग में राइट करना है, तो यहाँ पर ये राइट का ऑप्शन है, पीछे NFC को लगाएंगे टैग को, टास्क कंप्लीटेड, ओके कर दिया, ये मैंने यहाँ लगाया, ये सामने ट्विटर खुल गया। तो जिसको मैं कहीं भी लगा दूँ, टेबल पर लगा दिया मैंने, ये टच किया, ट्विटर लॉन्च हो गया। इसका यूज़ क्या है, आप ऑफिस टेबल पर बैठे हो, साइलेंट मोड सेट कर दिया, आप चाहते हो डिस्टर्ब ना हो तो यहाँ पे फ़ोन रखा, फ़ोन साइलेंट हो जाएगा, या फिर किसी को भी नंबर, URL या कुछ भी एप्लीकेशन शेयर करनी है शॉप पे लगा दिया, उसको अपना नंबर शेयर करना है, कहेगा भैया अपना फ़ोन यहाँ लगाओ, नंबर आ जाएगा स्क्रीन पे, क्योंकि टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो लिमिटेड अमाउंट में। और नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये ना VR आते थे काफ़ी पहले, सस्ते सस्ते 300, 150, 1000 रुपये के VR बॉक्स आते थे ना, प्राइस है इसका 200 रुपये का है। टेक्नोलॉजी पूरी दे रखी इन्होंने, ये ऐसे खुलता है पहले, इसको आगे पीछे कर सकते हो, इस लेंस को भी थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, और ये फिर ऐसे खुल जाता है फाइनली।
VR वीडियो आती है ना YouTube पे, या फिर एप्लीकेशन भी आती है नॉर्मल वीडियो को VR में कन्वर्ट कर देती है, उसके बाद यहाँ पे लगाना आपको। भाई टिकेगा कैसे मेरी नाक पे? या तो मैं इसको ऐसे रखूँ यहाँ पे टिका के, तो कुछ ऐसे टिका रहेगा? ये कितना बेकार है, ये वो वाली पूरी फीलिंग नहीं देता। साइड से सब कुछ तो दिखता है, अभी लेंसा होता है तो जूम करके दिखाता है वीडियो को, बस पता लगता है, मतलब मजा नहीं आता, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है ये। और एक प्रोडक्ट मतलब इतने, मतलब जितनी वीडियो मैंने बनाई हर बार था, मैं हमेशा इग्नोर करता था। एक्चुअल में जो नाम होता है डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग पैड, कुछ ऐसा सा होता है, 3-4 हज़ार रुपये का भी मिलता है। हमने इसको जुगाड़ किया क्योंकि हमारे पास एक पहले से है, ये हर्षित के एक फ्रेंड के पास है। ये XP पेन कंपनी का है, ये 10 हज़ार का आया था, अभी 7 हज़ार का मिलता है। और ये रहा इसका पेन, यही सिर्फ इस पे काम करेगा, आपकी उंगलियां काम नहीं करती। और जिसने ऑर्डर किया था उसने बेसिकली पूछा था भाई ये किस काम आता है, ठीक है। और ये 4 हज़ार वाला 10 हज़ार वाले में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ क्या है। एक यहाँ पे ऐसे इनपुट के लिए लगेगा और दूसरा पार्ट यहाँ लैपटॉप में लगेगा आपके। ये फ़ोन में भी लग जाता है, याद रखना आप, फ़ोन में भी काम आता है, बट सभी कई बार फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं होते, वो तो आप कोई भी खरीदोगे तो वहाँ लिखा ही रहता है ना। अब ये महंगे वाले में क्या होता है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर देते हैं, इसके अंदर शॉर्टकट बटन काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं। और ये जो शॉर्टकट बटन है, इनका सॉफ्टवेयर आता है, इसको पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। इवन इस पेन के अंदर ये जो बटन होता है ना, इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई क्या हो इनसे। ये देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इवन ये प्रेशर सेंसिटिव है, ये ऐसे ज़्यादा तेज़ प्रेस करोगे तो मोटी सी लाइन है, कम प्रेस करोगे तो हल्का हल्का लिखेगा, हल्का सा प्रेस करोगे और पतला सा है। इससे आप ड्राइंग कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, फोटोशॉप में काम कर सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे कुछ है और इसको आपने एक बड़ी डिस्प्ले पे आपने इसको क्या कर रखा, मिरर कर रखा है, और आपको यह समझाना है कि ये गोला है बच्चों, ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है, तो इस तरीके से। तो ये ग्राफिक डिजाइनर के काम आता है, टीचर्स के काम आ सकता है, या फिर ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के भी काम आ सकता है, डिपेंड। काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये महंगे वाला तो नहीं कहूँगा आप खरीदो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो 3-4 हज़ार वाला जो आता है वो सही है। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा किस काम आता है, इसकी डेडिकेटेड वीडियोस देख सकते हो आप, बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो ये थे 9 गैजेट, वैसे पुरानी वीडियो में काफ़ी सारे यूनिक यूनिक गैजेट है, कई बार गैजेट ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, कई बार थोड़े कम इंटरेस्टिंग लग सकते हैं, बट ये सीरीज आपको एक्चुअल बता देती है कौन सा कितना यूजफुल है, सिर्फ ये नहीं दिखाती कि ये आता है वो आता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बेकार निकलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।